अगर कोई इंसान हमें धोखा दे तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई इंसान हमें धोखा दे तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपल एक लाइन में कि उस इंसान को छोड़ देना चाहिए। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर कोई इंसान हमें धोखा दे तो हमें क्या करना चाहिए। ये वीडियो ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर आपका कोई पार्टनर है, कोई बॉयफ्रेंड है, किसी से बात करते हो तो ये वीडियो ना लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई इंसान हमें धोखा दे तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपल एक लाइन में कि उस इंसान को छोड़ देना चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार, है ना? बहुत बड़ा ये थ्योरी नहीं है, बहुत बड़ा ये साइंस का मैथमेटिक्स का सवाल नहीं है कि हम क्या करें। कुछ नहीं करें। अगर सामने वाला इंसान लॉयल होता ना तो आपको कभी चीट नहीं करता। और जो इंसान आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, उस इंसान के दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। ध्यान से समझिएगा, चीटिंग भी ना बहुत प्रकार की होती है, बहुत टाइप्स की होती है। अब ये वीडियो ना अब पिकअप पकड़ने वाली है, है ना? अब ये फॉर्म में वीडियो आएगी, थोड़ा ध्यान समझिएगा, कैच करने की कोशिश कीजिएगा। जब कोई इंसान हमें चीट करने लगता है, दैट मीन्स कि वो इंसान ना हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस की कदर नहीं कर रहा है। वो जो पर्सन है ना, वो हमें लेके सीरियस है ही नहीं। क्योंकि कोई भी इंसान अगर हमें लेके सीरियस है तो उसको सब पता होना चाहिए, 100% पता होना चाहिए। और चलो सब कुछ नहीं भी पता है तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि हम इस इंसान से प्यार कर रहे हैं, इसका रिलेशनशिप में है, है ना? ये इंसान मेरे लिए इतना सीरियस है, सब कुछ हमें मान रहा है, हम इससे चीट करेंगे तो इसके ऊपर क्या गुजरेगी? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है यार। ये जो इंसान, जो लड़का, जो लड़की नहीं जानता है, नहीं जानती है, वो सब सोचता है कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, हम कुछ भी करें अपने लाइफ में, है ना? हम झूठ बोल देंगे, हम बहाना बना देंगे, है ना? एक्सक्यूज़ दे देंगे, बात को घुमा देंगे। लेकिन जो अभी करना है कर लो, किसी और से बात करना है कर लो, किसी और के पास जाना है चले जाओ, चैट कर लो, वीडियो कॉल कर लो, है ना? कॉल कर लो, नंबर डिलीट कर देंगे, चैट डिलीट कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना? मतलब वो इंसान ना आपके लिए और आपके फीलिंग्स को लेके सीरियस नहीं है। क्योंकि जो इंसान अगर आपके बारे में सोच रहा है कि नहीं यार ये जो पर्सन है ये मेरे लिए बेस्ट पर्सन है, ये जो इंसान है ना इसको क्या अच्छा लगता है, इसको क्या बुरा लगता है, इसके लिए क्या सही है, इसके लिए क्या गलत है, हम कुछ ऐसा ना करें कि इसे तकलीफ हो, इसे हर्ट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, किसी भी रिलेशनशिप का एंड पॉइंट क्या होता है आखिरी, कि उसके बाद अब कुछ नहीं है, चीट, धोखा देना। सिंपल सी तो बात है। जब सामने वाला इंसान आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दे दिया, वहीं पे तो गेम खत्म हो गया ना, वहीं पे आपको समझ लेना चाहिए कि अब खत्म। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है, जो मेरी पार्टनर है, है ना, जो लड़की है, जो लड़का है, जिसके साथ भी हम रिलेशनशिप में है, वो जो इंसान है उसके साथ हम कब तक रहेंगे, कैसे उसको पहचाने कि उसके साथ हम फ्यूचर देख सकते हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लड़के, है ना, बहुत सारी लड़कियाँ अपने पार्टनर को लेके एक फ्यूचर देखने लगते हैं कि नहीं इसी शादी करेंगे, है ना, इसी के साथ रहेंगे, ये मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। बहुत सारे सपना देखने लगे, बहुत सारे ड्रीम में खो गए। अब वो ड्रीम अचानक खट से तब टूटता है जब सामने वाला इंसान इनको चीट करता है। अब ऐसे सिचुएशन में भी आप कन्फ्यूजन में हो, अब ऐसे सिचुएशन में भी आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि हमें इसे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, तो भाई आप अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा डिसीजन कैसे लोगे? आप अपने लाइफ में जब कुछ बड़ा डिसीजन लेने की बात आएगी तो कैसे ले पाओगे जब आप इतनी छोटी सी चीज़ नहीं समझ पा रहे हो? छोड़ना नहीं छोड़ना उसको वो बात की चीज़ है, लेकिन आप ये तो समझो कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। अगर ये सही होता, आपके लिए लॉयल होता, आपके लिए ऑनेस्ट होता, कभी आपके साथ क्या ऐसा करता? क्या आप उस इंसान के साथ कभी ऐसा करोगे? कभी नहीं करोगे यार, क्योंकि आपको पूरा पता है कि ये गलत है। एक आप हो यार कि उस इंसान को बिना बताए, उस इंसान को बिना जानकारी दिए कहीं जाते नहीं हो, किसी और से बात नहीं करते, किसी और को कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, चैट नहीं करते, यहाँ तक किसी और इंसान में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते, देखना भी आपको अच्छा नहीं लगता है। जब भी सोचते हो आप उसी के बारे में सोच रहे हो, है ना? जब भी कुछ भी आपके मन में चल रहा है उसी इंसान से रिलेटेड चल रहा है। और ये इंसान है जो अपने लाइफ में 10 लोगों का लिस्ट बना के रखा है, 10 लड़कों का। कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई फ्रेंड है, है ना, कोई भाई है, कोई मामा का लड़का, कोई बुआ का लड़का, पता नहीं क्या क्या ड्रामा नौटंकी चल रहा है, क्या है यार, कुछ नहीं है। सिंपली उस इंसान को पता चल गया आपका वीकनेस जोन, आपकी कमजोरी, कि आपका यहाँ पे वीकनेस जोन है, कि आप उस इंसान को ना छोड़ने का डिसीजन कभी नहीं ले सकते। उसको पता है आपके अंदर इतना करेज नहीं है, इतना दम नहीं है ना कि आप उसे मूव ऑन कर पाओगे। थोड़ा सा कड़वा, अब हार्ड बात बोलते हैं, थोड़ा सुनो, उसको पता है ना कि आपके अंदर वो दम नहीं है, है ना? इनफैक्ट आप वो लड़का नहीं हो, आपके अंदर वो मर्द वाली गुण नहीं है कि अगर कोई इंसान आपको चीट करे, चाहे वो इंसान कितना भी आपके दिल के क्लोज क्यों ना हो, उसके ऊपर आप जान छिड़कते थे यार ना,
और वो इंसान चीट कर दिया, फिर उसको आप एक्सेप्ट करके फिर रखोगे अपने पास? नो, ये आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि आप उसको कहो कि चलिए अब रास्ता देखिए। इसीलिए वो इंसान ना आपके साथ ये सब चीज़ कर रही है या कर रहा है। समझो बात को, हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में, कि कब हमें किसी इंसान को छोड़ देना चाहिए और कब और कैसी गलती और कितनी गलती माफ़ करनी चाहिए। सब माफ़ है यार, लाख गलती माफ़ है। गुस्सा हो लो, लड़ लो, झगड़ लो, फाइट कर लो, नाराज़ हो जाओ, सब चलेगा। चीट माफ़ नहीं है, धोखा माफ़ नहीं है। ये आप अपने लाइफ में एक बाउंड्री सेट करो। थोड़ा सा कड़वा बात बोलेंगे, बहुत सारे लोग जानवरों की ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना, कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जी रहे हैं। पता है उनको कि उनकी पार्टनर, उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी वाइफ चीटर है, धोखेबाज। वो अपने ज़िंदगी में, वो अपने लाइफ में बहुत गेम खेल रही है, फिर भी उस इंसान के अंदर, उस लड़का के अंदर, उस मेल मेन के अंदर, उस आदमी के अंदर इतना करेज, इतना दम नहीं है कि उसको छोड़ना तो दूर की बात है, उसको रोक सके, उसको मना कर सके, यार नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है और आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग देखे होंगे। क्या आपको भी वैसे ही बनना है? अपनी ज़िंदगी को वैसे ही नरक में लेके जाना है? क्या कर रहे हो यार? अपने ज़िंदगी में हार्ड और कड़क डिसीजन लेना सीखो यार। लाइफ में किसी एक इंसान के चले जाने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा समझना। आप तो भी रिलेशनशिप में हो ना, कितना दिन होगा? 2 साल 4 साल 5 साल 6 7 8, कितना, 20 20 साल, 30 30 साल का रिलेशनशिप। उन लोग हस्बैंड वाइफ बन गए, चीट करता है सामने वाला इंसान, छोड़ देता है, डाइवोर्स ले लेता है, क्या वो दुनिया के नज़र में तो बेवकूफ़ होगा ना, गलत होगा? बट मेरी नज़र में वो इंसान मेल है, हार्ड मेल, हार्ड मैन, हार्ड मर्द जिसको कहते हैं। डिसीजन लेना होगा, नो मैटर यार कि उस इंसान के साथ आप कितना टाइम स्पेंड किए हो, कितना रहे हो, वो डजेंट मैटर। वो कितना आपको पेन देगा, वो सब के लिए रेडी हो जाओ, लेकिन वो जिल्लत भरी ज़िंदगी नहीं चाहिए भाई, ऐसा नरक नहीं चाहिए। अब मेरे सामने यार ये सब चीज़ करते रहो, किसी और से बात करो, किसी और से मिलोगे जुलोगे, सब पता है और हम एक्सेप्ट करते रहें, तो भाई तुम ज़िंदगी जी रहे हो? नहीं, तुम जानवर से भी बदतर हो गए। थोड़ा कड़वा लग रहा होगा सुनने में, बट क्या करोगे यार, मेरा हैबिट है, मेरा आदत है थोड़ा हार्ड बात करना, और सच सच थोड़ा हार्ड होता ही है। इसलिए मेरा दोस्त, कभी भी आपके लाइफ में अगर ये असमंजस आए, ऐसा सिचुएशन आए कि आपको ये पता करना हो, सामने वाला इंसान आपको चीट कर रहा है, आपको पता चल गया, पता कैसे चलेगा? वो इंसान आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर देगा, वो किसी और में इंटरेस्ट लेगा, है ना, वो बिजी रहेगा, किसी और के पास जाएगा आपसे। वो इंसान पहले जैसा जो बात करना, इंटरेस्ट दिखाना, आपसे मिलना, फीलिंग्स, इमोशन शेयर करना नहीं करेगा, चेंज हो जाएगा, इग्नोरेंस वाली टेंडेंसी आएगी। वो आपको फील हो रही है, और कोई इंसान अगर मेरे पास, चूंकि मेरे पास सैकड़ों मैसेज आते हैं, सैकड़ों क्वेश्चन आते हैं यार, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें पता नहीं चल पाया। नहीं भाई, तू झूठ बोलता है, है ना। मैं साफ बोल देता हूँ कि यार आप अपने आप से झूठ क्यों बोल रहे हो? चलो मेरे से झूठ बोल सकते हो, किसी और इंसान से झूठ बोल सकते हो, नहीं यार हमको पता नहीं था। कैसे नहीं पता था? डे वन से आपको उसका बिहेवियर कैच करना होगा, बिहेवियर में चेंजिंग आ जाएगा, उसका हैबिट चेंज हो जाएगा, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका बात करने का तरीका, उसका हमेशा बिजी रहना, उसका एक अलग तरीका का टेंडेंसी बिहेवियर में दिखने लगेगा। इग्नोरेंस आपको इग्नोर करने लगेगी या इग्नोर करने लगेगा, आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो कहीं और बिजी रहेगा, है ना। वो हमेशा उसको जब कॉल करो, मैसेज करो, बिजी है। वो इंसान बार बार बिना वजह का, कोई रीज़न नहीं है, फिर भी फाइट करेगा और आपको ब्लेम करेगा, आपके अंदर की कोई भी अच्छी क्वालिटी को साइड करेगा और सिर्फ बैड क्वालिटी, निगेटिव पॉइंट, है ना, जो आपके अंदर कुछ कमी है उसी पे भी डिस्कस करेगा, करेगी। ये सब चीज़ है कि सामने वाला इंसान आपको चीट कर रहा है। एक लाइन में, देर रात तक बिजी है, देर रात तक कहीं कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सारा का सारा सीन वही है दोस्त, कि वो इंसान आपको चीट ही कर रहा है या कर रही है। अब ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सिंपली उसको छोड़ देना चाहिए ना। अब बहुत सारे लोग ये भी हमें कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि सर इतना ईजी नहीं है। देख भाई, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत आसान है। फिर तुम्हारे लिए अगर ये चीज़ इतनी इजी नहीं है कि एक ऐसे इंसान के साथ आप रह रहे हो जो जान रहे हो कि वो चीट कर रहा है, कर रही है, फिर भी सब कुछ आप एक्सेप्ट कर रहे हो, डेफिनेटली मेरे दोस्त, वो इंसान आपकी ज़िंदगी को नरक बना के छोड़ेगी। और थोड़ा वेट करो, फिर बोलना कि यार ये और ईजी नहीं था, फिर रहो उसके साथ। ईजी बीजी कुछ नहीं होता है, आसान कुछ नहीं है। हमें पता है ये टफ टाइम है, टफ सिचुएशन है, बट क्या हम एक ऐसे इंसान को नहीं छोड़ सकते हैं? आपके साथ थोड़ी ऐसा हो रहा है। दुनिया के हर इंसान
के साथ लगभग ये चीज़ हुई है, लगभग कुछ को छोड़ दे तो, और होता है तो क्या वो लोग मूव ऑन नहीं करते, वो लोग नहीं आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखना कि जो लोग इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलते हैं, छोड़ते नहीं हैं सामने वाला इंसान को, अपने पार्टनर को लाइफ से नहीं हटाते हैं, वो लोग हमेशा सफ़र ही करते हैं। सफ़र करना मतलब वो हमेशा तकलीफ़ में रहेंगे, हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, हैप्पी नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, वो लड़ते झगड़ते सामने वाले इंसान से, सवाल करते पूछते, है ना, अपना हेल्थ डैमेज करेंगे, अपना एनर्जी को वेस्ट करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपना लाइफ करियर सब कुछ बर्बाद कर लेंगे, अपना मुंह सुखा लेंगे एकदम लड़ के झगड़ के। करो करो इससे, अगर सामने वाला इंसान अगर सुधर जाए तो हमें कमेंट करके बताना, हम इस पर वीडियोस बना देंगे। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ऐसा कोई भी सिचुएशन जब सामने वाला इंसान आपको चीट करना स्टार्ट करता है, उसको कोई रोक नहीं पाया है और उसको कोई मुड़ा के वापस पहले जैसा नहीं बना पाया है। यही एक रियलिटी है, हार्ड ट्रूथ। वो नई इंसान चेंज होगा क्योंकि वो माइंडसेट बना लिया, और ऐसे इंसान के सामने जितना आप पीछे भागोगे, रिक्वेस्ट करोगे, भीख मांगोगे, हाथ जोड़ोगे, पैर पड़ोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ना वो इंसान सुधरेगी ना सुधरेगा, ना वो इंसान अपने अंदर चेंजिंग करेगा, ना वो इंसान आपकी फीलिंग इमोशंस का कदर करेगा। हमें पता है कि मेरी वीडियोस को देखने के बाद बहुत लोग ऐसे हैं जो ना मूव ऑन कर जाते हैं, जो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि बात में दम है, बात रियलिटी है। आप उसको कितना भी कॉल कर लो या कितना भी मैसेज कर लो, अगर वो इंसान कहीं बिजी है, और बिजी है तो वो इंसान बिजी ही रहेगा, रहेगी, वो बात करेगा तो करेगा, और किसी को कोई रोक नहीं पाया है। क्या रोक लोगे आप, है ना, उसका फ़ोन नंबर चेक करते रहो, उसका कॉल डिटेल्स लेते रहो, उसको हमेशा ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना, क्या ये सब चीज़ें सब ड्रामा नौटंकी है। कोई किसी को रोक नहीं पाया, किसी को करना है, हज़ार तरीका है, हज़ार तरीका है जिससे वो इंसान आपको चीट कर देगा, कर देगी। और अगर किसी को नहीं करना है तो उसके पास एक भी तरीका ऐसा नहीं है जिससे वो चीट करे, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको मन ही नहीं है, करेगा नहीं, उसको कोई ऑप्शन भी देगा वो हटा देगा, हटा देगी। लेकिन इस इंसान के अंदर इंटरेस्ट है तो ये करेगा, करेगी। ऐसे सिचुएशन में सिर्फ एक ऑप्शन बचता है आपके पास, उस इंसान को छोड़ो, अपनी लाइफ से हटाओ, ठीक है, ये आपके लिए बेटर रहेगा। आप एकदम इस वीडियो का फाइनल निचोड़ दे रहे हैं, फाइनल एडवाइस, सॉलिड, उस इंसान को छोड़ो, उस इंसान को कॉल करना, मैसेज करना, उससे बात करना, उसका हमने रिक्वेस्ट करना, उसको पीछे की कोई भी बात को समझाना कि देखो यार, हम तो तुमसे इतना प्यार करते थे, पहले कैसे रहते थे, पहले जैसे नहीं रह सकते हैं, चलो पहले जैसा रहते हैं, नहीं रहेगा, ठीक है। उसके सामने रिक्वेस्ट, उसके सामने भीख मांगना, उस इंसान को प्यार से समझाना, ये सब बंद करो मेरे भाई, मत करो भाई। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसको जो आप बार बार कॉल, मैसेज, कॉन्टैक्ट जो आप कर रहे हो, ये इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद बंद कर देना। अगर उस इंसान के अंदर थोड़ी सी भी शर्म, थोड़ी सी भी इंसानियत होगी, वो चीज़ छोड़ देगी, छोड़ देगा, सुधर जाएगा। और अगर इंसानियत नहीं होगी तो आपके कॉल मैसेज नहीं करने के बाद भी वो इंसान वहीं बिजी रहेगा, वहीं लगे रहेगा, और उसे जाने ही दो। बस यही मेरा फाइनल आपके लिए एडवाइस है। अगर ये चीज़ कर लिए ना दोस्त, फिर आप खुद हमें कमेंट या मैसेज करके बोलोगे मेरा लाइफ सेट हो गया, अब पटरी पे आ गया, अब देखो कमाल करेंगे हम, ठीक है। उम्मीद करता है कि ये वीडियो अच्छी, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्त या फ्रेंड उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए, ठीक है। मेरे चैनल पे ना इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोज़ है, और भी बहुत सारी रिलेशनशिप से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, है ना, बहुत सारी वीडियोज़ है। आप जाइए मेरे चैनल पे, विजिट कीजिए, उस पे वीडियोज़ को देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो फिर आज के लिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय।